अलवर जिले के खैरतल कस्बे में हुई लूट और हत्या का आरोपियों का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। इसे लेकर व्यापारियों में पुलिस के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पिछले 3 दिनों से व्यापारियों ने हथियारों की मांग करते हुए बाजार भी बंद रखे, लेकिन अभी तक पुलिस हथियारों का सुराग नहीं लगा पाई। खैरतल की महावर धर्मशाला में व्यापारियों ने आगे की रणनीति पर चर्चा की। मामला खैरतल का है, जहां लूट के इरादे से आए बदमाशों ने व्यापारी मुकेश अग्रवाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 10 मार्च को हुई मुकेश की हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। व्यापारियों का आक्रोश पुलिस पर फूट पड़ा, यहां तक कि पुलिस कर्मियों को वहां से भागना पड़ा। व्यापारियों द्वारा 3 दिन में हथियारों को गिरफ्तार करने की मांग रखते हुए बाजार भी बंद रखे, लेकिन पुलिस हथियारों तक आज तक नहीं पहुंच पाई। गुस्साए व्यापारियों ने मंगलवार महावर धर्मशाला में खैरतल में बैठक कर 3 दिन की मोहलत पुलिस को और दी है, अन्यथा 16 तारीख से आंदोलन और तेज किया जाएगा। इस दौरान व्यापार महासंघ अध्यक्ष ओम प्रकाश रोगा, संरक्षक अशोक डाटा, महंत शशिभूषण कल्याण मिश्र सहित अन्य व्यापारी मौजूद रहे। आज का निर्णय हमारा पहले की तरह है कि जो हमारी मांगे हैं, जो खेतों के साथ अन्याय हुआ है, वो हत्यारे नहीं पकड़े गए हैं, तो हमारा विरोध तो है, और जब तक हत्यारे नहीं पकड़े जाएंगे खेतल चैन से नहीं बैठेगा। पर क्योंकि लगातार तीन दिन से पहले और आज चौथा दिन है, जब पान की दुकान और चाय तक बंद है, इस बात को देखते हुए कि आम मजदूर की दिक्कत है, खाने पीने के सामान की दिक्कत है, दूध की दिक्कत है, इसलिए हम लोगों ने यह तय किया है कि कल से तो बाजार पूर्ण रूप से खुली जाएगा। आज भी जो खाने पीने की चीजें हैं, जो जरूरत की चीजें हैं, अगर उनके लिए कोई व्यापारी दुकान खोलना चाहता है, तो शहर के हित में, आम मजदूर के हित में, आम आदमी के हित में हमने फैसला किया है कि आज से दुकान जो खोलना चाहे वो खोल सकता है, लेकिन कल से पूर्ण रूप से खुल जाएगा। लेकिन ये हमने एक वक्त दिया है प्रशासन को, आने वाली 16 तारीख को दोबारा यहीं पर हम सब भाई, जिसमें हम सब व्यापारी होंगे, भाई साहब अशोक जी होंगे और पूरा शहर के लोग होंगे, शाम को 5 बजे 16 तारीख को यहीं बैठेंगे, इस बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, आगामी निर्णय लिया जाएगा, और जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री साहब तक भी जाना पड़ा या उससे भी आगे जाना पड़ा या बंद को अनिश्चितकालीन करना पड़ा तो हम करेंगे, क्योंकि सबको बहुत तकलीफ है, बहुत आक्रोश है, और खैरतल पुलिस अब तक इस मामले में खाली हाथ है, ये भी बहुत तकलीफ की बात है। क्राइम तो बढ़ा बढ़ा, उसका खुलासा भी नहीं हो रहा, ये चीज हमको चैन से बैठने नहीं देगी और इस मामले को हम जरूरत के हिसाब से आगे ले जाएंगे। उसका निर्णय भी ये हुआ है कि पुलिस प्रशासन में बराबर दबाव बनाया जाएगा, और पुलिस के ऊपर ये कहा गया है कि जो 72 घंटे के अंदर उनको आश्वासन दिया था आम नागरिकों को, तो 72 घंटे का इंतजार किया जा रहा है। बाकी का आगामी निर्णय जो शनिवार जो आ रहा है उस दिन बैठ करके किया जाएगा कि आगामी व्यूहरचनाएं क्या रहेगी। व्यापारियों ने सबने एकजुटता दिखाई है और प्रशासन पे पूर्ण रूप से दबाव बनाए रखा है और आगे भी बना रहेगा। सिर्फ 4 दिन हो गए, पूरा मार्केट बंद है, सभी की सहमति से ये निर्णय लिया गया है कि हम कल से मार्केट खोलेंगे, उसके बाद हम 16 तारीख को शाम को व्यापार महासभा की मीटिंग होगी, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा और आगामी जो पुलिस कार्रवाई हुई है उसके बारे में वहाँ पूछा जाएगा आला अधिकारी।